I would be opening the batting, but along with me there is going to be a special guy. मैं आमिर की बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि किस्मत बदलन वास्ते अपने हाथों दियां लकीरां होनियां जरूरी हैं, लेकिन किस्मत उन्हां दी भी बदलदी है जिन्हां दे हाथ नहीं होंदे। फैशन था कि ख्वाब था कि मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और जब भी मैं किसी के पास जाता था वो कहता था बस आपके पास हाथ नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा ड्रीम था कि मैं सचिन सर की तरह क्रिकेटर बनूं। बैटिंग करता था अच्छी तरीके से, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ फिर पैर से गेंद पकड़ना ये बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बॉलिंग करना खासकर और 23 यार्ड से बॉलिंग करना वो भी नॉर्मल की तरह, तो इसको मुझे बहुत 16 साल मुझे लग गई सर इस काम में। जब सचिन कह रहे थे तो हर कोई ये सचिन सचिन सचिन, तो हमने भी ऐसा ही कि काश जो ये बल्लेबाज है मैं इसकी तरह बनूं, तो ये मेरे दिल में था। All of us put together might be able to match his passion. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सचिन सर ने इतना प्यार दिया हमें, वो जिंदगी भर हमें याद रहेगा सर। But along with me there is going to be a special guy. मैं आमिर की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि किस्मत बदलन वास्ते अपने हाथों दियां लकीरां होनियां जरूरी हैं, लेकिन किस्मत उन्हां दी भी बदलदी है जिन्हां दे हाथ नहीं होंदे। ऐदां दा ही एक शख्स जो अज आरएन कॉलेज दा ब्रांड एम्बेसडर बनया है, ते नाल नाल स्टूडेंट्स लई एक मोटिवेशन जो है वह भी दित्ती है। असी गल कर रहे हैं एक ऐदां दे शख्स नाल जिहदे कि दोनों हाथ ना होण ते भी क्रिकेट की दुनिया विच वो अपना नाम बहुत वड्डे तरीके नाल कमा चुका है, तो अज असी उन्हां नाल गलबात करांगे। आमिर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में। थैंक यू सर। तो आज आप आरएन कॉलेज में आए हैं, यहाँ पे आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो क्या कहना है इसका? पहले तो थैंक यू स्पेशली आरएन ग्रुप ऑफ कॉलेज चेयरमैन साहब जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है मैं घर में ही हूँ, तो यहाँ बहुत सारे हमारे कश्मीरी बच्चे और स्टाफ भी यहाँ हैं, तो मुझे कोई फील नहीं लगा कि मैं कहीं और जगह पर, ऐसा लगा मैं कश्मीर में हूँ। तो जैसे कि आप क्रिकेट में अपने पैरा जो आपका क्लब बना हुआ है क्रिकेट वो है, उसके आप कैप्टन हैं जेएनके में, तो कैसे क्रिकेट का जुनून कैसे आया आपके? सर ये इतना आसान नहीं था, और क्योंकि मैं जब 8 साल का था और फिर 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ जी, लेकिन ज़िंदगी में मैंने फैशन था कि ख्वाब था कि मैं क्रिकेटर बनूं जी, लेकिन इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक समय ऐसा था जब दोनों हाथ थे जी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो गई सर जी, लेकिन फिर भी मैंने ज़िंदगी में हार नहीं मानी और ख्वाब था कि मैं क्रिकेटर बनूं, और फिर पैरों से गेंदबाजी मैंने सीखी, और इसमें मुझे बहुत समय लगा सीखने में क्योंकि कोई कोच नहीं है, और जब भी मैं किसी के पास जाता था वो कहता था बस आपके पास हाथ नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा ड्रीम था कि मैं सचिन सर की तरह क्रिकेटर बनूं, लेकिन उसको मैंने फिर अपने जो पैर है मैंने हाथ बनाए, लेकिन पैर से बॉलिंग करना और बैटिंग करना ये सबसे बड़ा जो है मुश्किल था जी। तो लेकिन मैंने जो है कोशिश की, मेहनत की, और रिजल्ट आया। तो इस दौरान आपको चैलेंजेस भी काफ़ी आए होंगे, हालांकि चैलेंजेस और स्ट्रगल तो उनको भी आता है जो ऑलरेडी फिट हैं, लेकिन आपके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद जैसे ये मतलब दोनों हाथ आपके चले गए, तो कैसे चैलेंजेस को आपने डिफीट किया? सर एक समय ऐसा था कि जब मेरे पास हाथ थे और मैं बॉलिंग करता था, लेकिन बैटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और बैटिंग करता था अच्छी तरीके से, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ फिर पैर से गेंद पकड़ना ये बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बॉलिंग करना खासकर और 23 यार्ड से बॉलिंग करना वो भी नॉर्मल की तरह, तो इसको मुझे बहुत 16 साल मुझे लग गई सर इस काम में परफेक्ट होने में सर, बहुत मेहनत की दिन रात,
और ख्वाब था कि जुनून था सर पे कि ऐसा था जब से कि हम एक ख्वाब होता है हर किसी का, लेकिन मेरा जो ख्वाब था मैं हर कोई गेम खेल सकता, लेकिन मेरा जो ख्वाब था वो क्रिकेटर बनना था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की, ठोकरें खाए, लेकिन मैंने ठोकरें खाए लेकिन मैंने अपना ध्यान इनकी तरफ नहीं दिया, सिर्फ अपने आप को ध्यान दिया कि मैं कैसे क्या करूं, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया। तो मतलब जैसे क्रिकेटर का आप में जुनून था, पैशन था, तो एक रोल मॉडल होता है ना कि इस रोल मॉडल को माइंड में लेके मैं अपने जुनून को, अपनी मंजिल को पालूं, तो कौन से रोल मॉडल की आप बात करें? मेरा सचिन तेंदुलकर सर, क्योंकि जब सचिन खेल रहे थे तो हर कोई ये सचिन सचिन सचिन, तो हम में भी ऐसा ही कि काश जो है बल्लेबाज है मैं इसकी तरह बनूं, तो ये मेरे दिल में था। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ सपने सपने रह गए, लेकिन अपने सपने मैंने कैसे पूरे किए, बहुत मेहनत के साथ, बहुत मेहनत करनी पड़ी, स्ट्रगल करना पड़ा, ठोकरें खाने पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जब धक्के खाए फिर भी मैंने हौसला काम नहीं किया, मेरा अंदर जुनून था, जो ख्वाब था मेरा और उसकी तरफ मेरा। तो जैसे सुनने में आया कि आपके रोल मॉडल आपने बताया सचिन जी, लेकिन जब सचिन जी आपसे मिलने आपके घर पे पहुंचे तो उस वक्त कैसा माहौल था? सर माहौल बहुत ज़बरदस्त था, तो पूछे मत सर, वो फीलिंग्स मैं आज भी बयान नहीं कर सका, क्योंकि सचिन सर जब उन्होंने फ़ोन किया मुझे, आमिर एक घंटा, तो एक घंटा मेरे लिए निकाला, मैंने कहा सर पूरी दिन आपके लिए है। और फाइनली जब सचिन सर मिलने के लिए आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर किसी के सपने होते, लेकिन मेरा सपना था कि क्रिकेटर बनूं, और वो भी सचिन सर की तरह। जब सचिन सर, मैंने अपनी जर्नी के बारे में पूछा और मैंने सचिन सर को भी कहा कि सर अगर मैं आज इस मुकाम पर, वो आपके कारण से, मेरा कोई कोच नहीं बस आप है, तो सचिन सर ने दिल से शुक्रिया अदा किया कि क्योंकि क्या कि वो हमेशा जब भी हम सचिन सर को देखते थे और उसकी इनिंग, उसकी मतलब उसका जो जोश था वो हमें भी आया। और सचिन जी के साथ जब मैदान में उतरे, हर तरफ सचिन 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 या आमिर 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 हो रही थी, तो हाउ वाज? हाँ सर, पहले तो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन बस एक वीडियो आया था सचिन सर के साथ, और उसके बाद जब खेला मैंने, तो उसके बाद जैसे मैं आउट हुआ तो सभी आमिर आमिर कह रहे थे। जब सचिन सर के साथ हम बॉलिंग के बाद जब मैच जीता, तो सचिन सर के साथ मैं जब मैं चल रहा था, तो आमिर और सचिन सर की मतलब वहाँ नारेबाजी भी हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सचिन सर ने इतना प्यार दिया हमें, वो ज़िंदगी भर हमें याद रहेगा सर। तो जो लोग मजाक करते थे उनको कैसे जवाब दिया सर? जिन्होंने मजाक किया, जिन्होंने मुझे मतलब ठोकरे मैंने खाए, जिनके दरवाज़ों पर गए, जिनके आपसू में गया सर ये हमारा काम ये कर दो, फिर उन्होंने मेरी फ़ोटो लगाई अपने अपने जिस जो भी पेज है उनका, तो फ़ोटो लगाई। तो जैसे आप टीम के कैप्टन थे, तो और देशों में भी आप टीम के साथ प्ले करने के लिए गए? हाँ जी सर, मैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और UAE में भी मैं गया खेलने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अपने देश को भी मैंने, अपने भारत इंडिया देश को भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। और उस वक्त जब मैंने पहली यूनिफॉर्म जब मैंने पहनी, तो उस वक्त मुझे रोना आया, क्योंकि जो सपने थे वो यही थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ बांग्लादेश में भी हम विनर बन गए, और वहाँ भी जब देखा कि यहाँ भी ऐसा बंदा है जिसके पास हाथ नहीं है, और वो देखकर पूरी दुनिया में सलाम करती है, और ख़ासकर अपने भारत देश, हमारे 100 करोड़ के ऊपर से आबादी है, लेकिन जो मुझे प्यार मिला है उसके लिए कोई मैं क्या कोई अल्फाज कहाँ से लाऊँ जो अपने देश के लोगों को मैं पेश करूँ। तो देश की महान हस्तियाँ जैसे हमारे PM नरेंद्र मोदी, और उनके बाद जो बिजनेस टाइकून्स हैं अपना गौतम अडानी जी, तो मतलब इन सभी हस्तियों से कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो चुकी है, तो वो वाला मोमेंट कैसा है? सर यकीन माने सर, मैं बस कुछ दिन हो गए जब मैं गौतम अडानी सर के फंक्शन में था, तो स्पेशली मैं चीफ गेस्ट था, तो वहाँ जब लोगों ने देखा यार ये तो ये हुई वहाँ मेरे, ये कैसे यहाँ आए, लेकिन गौतम अडानी सर ने इतना ही नहीं, मैं समझूंगा अल्लाह ताला गौतम अडानी सर को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और दिन दुगनी रात चुगनी सर गौतम अडानी सर तरक्की करें, क्योंकि वो हमारे देश की शान है। और फिर उन्होंने बोला गौतम अडानी सर के जो आज के स्पेशल हमारे चीफ गेस्ट है वो आमिर जी है, और वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने बड़े लोग और इनके साथ मीट करना ये अपने सपने में नहीं था, लेकिन कहते हैं कि जब आप स्ट्रगल करते हैं कामयाब भी मिलते हैं, पूरी दुनिया आपके सलाम करती है। लास्ट क्वेश्चन, आज आप RN में एडमिशन ली, ब्रांड एम्बेसडर बने, तो RN के बच्चे
और जो बच्चे हैं, मतलब पूरे देश के बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज, इसमें मैंने एक ही जहाँ 20-20 लाख के फीस है वहाँ, यहाँ आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज में कम है, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब मैंने खुद से स्ट्रगल किया है, मेरे पास भी फीस नहीं था, कलम खरीदने तक पैसा नहीं था, और इससे बेटर मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ फीस भी कम है और यहाँ भी हमारे देश में जहाँ भी बच्चे, और आप, मैं सभी के रिक्वेस्ट दिल से कर रहा हूँ कि आप इस कॉलेज में आए और एजुकेशन आप हासिल करें, जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं वो कीजिए, बल्कि यहाँ गरीब से गरीब भी पढ़ता है जी, पढ़ेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ फीस कम है, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं, ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ मैंने खुद भी, क्योंकि मेरी फर्स्ट ईयर तक मैंने पढ़ाई की, लेकिन थोड़ी रुक गई प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आज मैंने एडमिशन भी किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये तो एडमिशन का बात हो गया, मतलब एज ए मोटिवेशन भी मेरे हाथ नहीं है, मैं आज इस मुकाम पे हूँ, आप भी ये काम करो, आप भी इस मुकाम तक पहुँच सकते हो, वो मोटिवेशन क्या है बच्चों के लिए खास? ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, मेरे पास हाथ नहीं है, लेकिन मैंने जो ख्वाब थे, मेरा ये कोशिश रहा, ड्रीम रहा। हर किसी के सपने होते हैं, कभी कभी आपने सपने टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्राई करते रहो, अगर कहीं जॉब नहीं मिलता तो ट्राई करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भी, मतलब सिलेक्ट हो जाओगे, आपको भी अपनी मंजिल मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने आप को गलत चीज़ों, गलत कामों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि ड्रग्स कर रहे हैं, कुछ और काम करते हैं। मैं अपने यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर आप बिल्कुल, ये नशीली चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, एजुकेशन की तरफ, जो आपके सपने हैं उनको आप पूरा कीजिए, बल्कि आप गलत काम के ऊपर लग जाए बिल्कुल नहीं। ये मेरी सभी से, जो आने वाला दिन होता है वो नया इंसान के लिए होता है। थैंक यू। जतिंदर लकी, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।